अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में आपको बताएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेकंड टेस्ट के एडमिशन दोबारा ओपन, सेकंड फेज़ के दोबारा ओपन हो चुके हैं। और सबसे पहले इसमें टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। टेस्ट देने के बाद आप दोबारा डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें सब डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन नहीं हुए, सिर्फ चंद डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन है। जो कुछ डिपार्टमेंट के एडमिशन सीट्स खाली रह गई थी, उन डिपार्टमेंट के दोबारा ओपन उन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले टेस्ट देना है। टेस्ट की कैटेगरी है प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट है, मेडिकल का टेस्ट है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस का है, ICS विद फिजिक्स कम्बिनेशन, ICS विद स्टैटिस्टिक कम्बिनेशन है, ठीक है। जनरल साइंस का है, कॉमर्स का है। ये आप इंटर में जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जो आपने इंटर में सब्जेक्ट पढ़े हैं, उन्हीं के से रिलेटेड आपने ये टेस्ट देना होगा, ठीक है। टेस्ट देने के बाद इसका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद फिर अगर आप पास हो, इसमें आए सभी होते हैं, ठीक है। इसकी 25% जो वेटेज है वो इंक्लूड की जाती है टेस्ट में, सॉरी मेरिट में, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक, अगर आपके मैट्रिक इंटर में कम मार्क्स हैं तो आपको अच्छा एज मिल सकता है, आप अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट में अप्लाई करने का मेथड ये है कि आपने इसका 1500 रुपये का चालान निकलेगा, वो आपने सबमिट करवाना होगा। वो HBL बैंक में करवा सकते हैं, वन बिल के थ्रू भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने पे चालान पे करके दोबारा अपलोड करना होगा, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। लेटर एंड PU टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू LLB प्रोग्राम इन पंजाब यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा है कि LLB में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके लिए दोनों टेस्ट ही कंपलसरी हैं, यानी आपको लेट भी देना पड़ेगा और पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी। और जो एडमिशन टेस्ट विल बी हेल्ड इन पंजाब यूनिवर्सिटी कायदे आजम कैंपस, ये जो कनार रोड पे इनका कैंपस है उसमें इसका टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं किन किन डिपार्टमेंट में एडमिशन ओपन हुए हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी में है, आर्कियोलॉजी में है, फ्रेंच में है, पार्क स्टडी में है, और इसके अलावा फिलोसफी में ओपन है, फिजिकल एजुकेशन में ओपन है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के। उसके बाद बिहेवियरल साइंसेस, सोशल साइंसेस में इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल वर्क है, सोशल वर्क एंटरप्रेन्योरशिप है, जेंडर स्टडी है, सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, वर्क प्लेस एंड सेफ्टी प्रमोशन है, डेमोग्राफी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मीडिया में जर्नलिज्म है, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग है, फिल्म ब्रॉडकास्टिंग मीडिया स्टडी है, मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है। उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में है, कॉमर्स में ओपन है, कॉमर्स, ई कॉमर्स, अकाउंटिंग फाइनेंस, BBA है, हेले कॉलेज में भी ओपन है एडमिशन। इसके अलावा बिजनेस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ओपन है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ओपन है, और मैनेजमेंट में है, BBA में भी ओपन है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, इसमें एजुकेशन एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है, इस्लामिक एजुकेशन है, इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, एजुकेशन रिसर्च असेसमेंट है, बिजनेस एजुकेशन है, साइंस एजुकेशन है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन है एंड अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अभी मैं हमने इन्होंने बताए हुए हैं, वो फिफ्थ सेमेस्टर वाले ये आगे वाले देख सकते हैं। इस्लामिक स्टडी में हैं, तफसीर हदीस, शेख जायद इस्लामिक सेंटर है, इसमें ओपन है, बॉटनी में ओपन है, जियोलॉजी में ओपन है, एग्रीकल्चर में ओपन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी ओपन है। देन उसके बाद कश्मीरियात, कश्मीर स्टडीज में ओपन है, पर्शियन में भी ओपन है, पंजाबी में भी। साइंसेज में आ जाता है जी, मैथमेटिक में ओपन है, कंप्यूटेशनल फिजिक्स में ओपन है, केमिस्ट्री में है, स्टैटिस्टिक में है, आगे जियो साइंसेज है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में ओपन है, इन्वायरमेंटल साइंसेज में ओपन है, हाइड्रोलॉजी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में, अप्लाइड जियोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट में ओपन है। उसके अलावा गुजरांवाले कैंपस में BBA ऑनर्स में है, BBA इंग्लिश में है, BBA स्पेशल बैंकिंग फिनांस में, BS कॉमर्स में है, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस में है। उसके बाद झेलम कैंपस आ जाता है, झेलम कैंपस में मैनेजमेंट में और BBA ऑनर्स में, कॉमर्स में ओपन है, अकाउंटिंग एंड फिनांस में ओपन है एडमिशन। तो ये आप है इन डिपार्टमेंट में ओपन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया हुआ वो टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो